चरखी दादरी में किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी पूजा वशिष्ठ ने महिला पुलिस थाने में पुलिस फोर्स को आगामी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में शांति बनाए रखने के साथ साथ पुलिस टीमों को सतर्क रहने की बात कही है। एसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि मुख्यालय की हिदायत अनुसार पुलिस टीमों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा रही है। धरना प्रदर्शन पर पुलिस की नजर रहेगी और असामाजिक तत्वों से सावधान रहने के अलावा किसान संगठनों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना होगा, यह आह्वान किया जा रहा है। एसपी ने आम जन से भी शांति बनाए रखने के साथ साथ पुलिस प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी को फॉलो करने के लिए कहा है। देखिए, दादरी मैप पे उतना नहीं है क्योंकि हमारे कोई अंतरराज्यीय बाउंड्री नहीं है। उसके बावजूद भी क्योंकि हमारी रेंज में जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इससे प्रभावित रहेंगे, तो हम अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। बट मैं दादरी के निवासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि शांति बनाए रखें और जो हमारी हरियाणा पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी समय समय पे जारी होगी उसको उससे अपडेट रहें ताकि उनको ट्रैवलिंग में और अदरवाइज़ भी कोई असुविधा ना हो। और साथ ही ये कि जो इस टाइप के प्रदर्शन हैं जो कि विच हैव दी टेंडेंसी कि वो बाद में जाके किसी प्रकार का रूप ले सकते हैं, तो उसमें मैं दादरी वासियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो शामिल ना हो। कि जैसे कि मैंने बोला कि दादरी थोड़ा अनअफेक्टेड है, बट फिर भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो दादरी में पहले से ही डीजीपी सर ने हर जिले में कंपनीज बनवाई हैं, तो हमारी भी 2 कंपनीज बनी हुई हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस जारी है और मैं उन्हीं की ब्रीफिंग के लिए आई हूँ। उनको हमारा मैसेज ऑलरेडी जा चुका है। वी हैव ट्राइड टू कन्वे आर मैसेज टू देम कि जितना राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट वो सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट उसके आगे जाना वो उससे काफ़ी इश्यूज भी क्रिएट होंगे। बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी यही है कि चरखी दादरी में कोई भी इशू।